नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2019 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम BFA के लिए हुआ था, उस BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखेंगे और मैं पिक्चर के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आपको याद दिलाने की कोशिश करूँगा उसको, ताकि वो आपको याद हो जाए और आप उसको अच्छे से याद कर पाएँ, ताकि वो आप जल्दी ना भूल पाएँ। तो पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, इसके पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूँ कि जितने भी ईयर्स के BHU के BFA के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएं, उसको आप अच्छे से याद कर लें, पढ़ लें, और ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं, क्योंकि अभी तक का जितना भी पेपर BHU का होता आया है BFA के लिए, तो सभी क्वेश्चन पेपर में यही देखा गया है दोस्तों कि ज़्यादातर अक्सर करके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं और वही क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होते हैं। तो उसको आप अगर याद कर लेंगे अच्छे से, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो इसको आप ध्यान में रख लीजिए। और ये दोस्तों, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 2020 का क्वेश्चन पेपर जो है, सॉल्व क्वेश्चन पेपर, उसको अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लीजिए। और इससे रिलेटेड मैं और भी ढेर सारी वीडियोज़ जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो जल्दी जल्दी लाने वाला हूँ, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से उसको आप इमेज वाइज अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए चलिए दोस्तों, देखते हैं इसको और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, पहले नंबर का क्वेश्चन दोस्तों वो ये है, इनमें से सामान्यतः ऑप्टिक्स का संबंध किससे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है इसमें से ये आंसर नंबर 4, यानी कि प्रकाश की किरणें। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका पर किए गए शोध कार्यों का श्रेय कौन से महान कला आलोचक को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों BS वाकनकर, ये आंसर नंबर 2, BS वाकनकर। और अगले क्वेश्चन की दोस्तों अगर बात किया जाए, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नव प्रभातवाद के जन्मदाता का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आंसर नंबर 4, यानी कि सेरेट। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे नंबर पे, गांधार कला की बौद्ध मूर्तियों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है यूनानी प्रभाव, चीनी प्रभाव नहीं है, इटली का प्रभाव भी नहीं है। इटली का प्रभाव दोस्तों जहाँ तक मुझे याद है, ये मथुरा कला में आपको देखने को मिलता है, और जो यूनानी प्रभाव है वो गांधार कला में देखने को मिलता है, यानी कि जब सिकंदर यूनानी से आक्रमण यहाँ पे किया, उसके बाद सिकंदर के जाने के बाद यहाँ पे जो वर्चस्व, जो प्रभाव यूनान का पड़ा, वो कुछ मूर्तियों यानी कि कुछ गांधार कला पे पड़ा उसका असर। वहाँ के अपोलो कुछ देवता हुआ करते थे, उनका शैली मतलब उनकी छाप कुछ देखने को यहाँ पर मिलती है। और अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करें, तो अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दृष्टि से उक्त भवनों में से सही क्रम में कौन सा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों कुतुब मीनार, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, ये पहला। दूसरा वाला इसका राइट आंसर है दोस्तों कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अगर बात करें, तो अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा। तो भरत मुनि ने कलाओं के लिए नाट्यशास्त्र लिखा, तो ये राइट आंसर है इसका दोस्तों 4। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन है, महाराजा संसार चंद्र ने कौन सी चित्र शैली को प्रोत्साहित किया। तो ये है दोस्तों कांगड़ा शैली, यानी कि महाराजा जो महाराजा संसार चंद्र ने कौन सी चित्र शैली को प्रोत्साहित किया, तो दोस्तों ये है कांगड़ा शैली, यानी कि आंसर नंबर 2, कांगड़ा शैली। जी हाँ दोस्तों, और अगले क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकृति श्रम की विजय किस कलाकार की निर्मित है। तो श्रम की विजय दोस्तों ये है डी पी राय चौधरी, यानी कि आंसर नंबर 4, DP राय चौधरी, इसके राइट आंसर है ये। अगले क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात करें, तो अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने दोस्तों अपना प्रथम प्रवचन जो है वो सारनाथ यानी कि बनारस में दिया था, वाराणसी जिसको बोला जाता है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। तो गौतम बुद्ध ने निर्वाण यानी कि महापरिनिर्वाण जिसको बोला जाता है, जब वो अपना घर जब छोड़ के गए थे उसको महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, अपना जब देह त्याग किए थे उसको बोला जाता है निर्वाण। और वो दोस्तों हैं कुशीनगर, यानी कि कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की, और बोधगया में दोनों दोस्तों उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, मधुबनी लोकचित्र किस राज्य का है। तो मधुबनी लोकचित्र जो है वो बिहार राज्य का है, बिहार का। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूवेल टाइप किसके द्वारा आविष्कृत हुआ। तो मूवेल टाइप जो है टाइप मशीन जिसको बोला जाता है शायद, तो जॉन गुटेनबर्ग, यानी कि आंसर नंबर 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव
है, तो ये है दोस्तों अजंता शैली का प्रभाव, यानी कि आंसर नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इस लिस्ट में, लोगो किसे कहते हैं? तो लोगो, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए और पता भी होगा शायद, तो लोगो किसी कंपनी या वस्तु के स्टाइल वाले नाम को कहा जाता है। जैसे कि एप्पल का जो ब्रांड होता है वो इस तरह से कटा हुआ एप्पल, या फिर आप ओप्पो, एमआई, कुछ मतलब ब्रांड होते हैं जिन्होंने अपने लेटर्स में ही अपना लोगो डिजाइन करके रखा होता है, जैसे कि ओप्पो, वीवो, एमआई। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी भी चैनल, यानी कि जैसे कि मेरे चैनल का ले लीजिए, तो वो लोगो इस तरह से कुछ डिजाइन होता है, उसको लोगो कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अक्षर एक साथ मिलकर एक ही बॉडी में ढालने को कहते हैं, तो वो है दोस्तों सेट्स, यानी कि आंसर नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन दोस्तों वो है, जो व्यक्ति विज्ञापन के लिए लिखता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों मीडिया मैन नहीं, यहाँ पे कॉपी राइटर जो है उसको कॉपी राइटर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में छपने वाले पहले अखबार का नाम बताइए, पहले अखबार का नाम क्या था? तो भारत में छपने वाला जो पहला अखबार था वो था बंगाल गजट, यानी कि आंसर नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इस लिस्ट में, किसी समाचार पत्र के एक कॉलम का पंक्ति मान मेजर क्या है? तो जो उसका मेजर होता है, जो उसकी पंक्तियाँ होती है, जो उसका पैराग्राफ दोस्तों होता है, उसका जो समान लंबाई यानी कि उसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है? तो अमूमन वो 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग 4.5 से 4.6 सेंटीमीटर तक का होता है। इस वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, इसी तरह से ढेर सारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और भी बता दूं आपको, कि अगर आपको BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जो कि अभी जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है इसका, तो अगर आपने बुक नहीं लिया है तो आप वो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको बुक और मटेरियल्स दोनों के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से उसको परचेस करके उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों इस लिस्ट में, अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़े अक्षरों को कहते हैं? तो बड़े अक्षरों को दोस्तों कहा जाता है अपर केस, यानी कि आंसर नंबर तीसरा ये अपर केस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोस्टर का प्रारंभिक नाम है, पोस्टर का प्रारंभिक नाम दोस्तों वो है बिलबोर्ड, प्रारंभिक नाम बिलबोर्ड है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से मूर्तिकार को पहचानिए? तो निम्न में से मूर्तिकार जो है दोस्तों वो हैं नागजी पटेल, यानी कि आंसर नंबर दूसरा। यामिनी राय चित्रकार हैं, अमृता शेरगिल भी चित्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जातक कथाएं क्या है? तो आपको पता होगा शायद दोस्तों, जातक कथाएं जो है वो भगवान बुद्ध से संबंधित है, तो भगवान बुद्ध के जो पुनर्जन्म की कथाएं होती थी उसे जातक कथाएं कहा जाता था, भगवान बुद्ध, यानी कि आंसर नंबर चौथा। कहा जाता है कि माया देवी का जो स्वप्न हुआ, उस स्वप्न में उनको पता चला कि भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में, उस स्वप्न और उससे पता चलता है, तो इस आधार पे। और जो भी अशोक के काल में ढेर सारे जो भी स्तूप वगैरह जो भी बनवाए गए गुप्त काल में, उससे भी रिलेटेड, मौर्य काल में उससे भी रिलेटेड ढेर सारी गौतम बुद्ध से संबंधित चीज़ें मिलती हैं, जिसमें आपको जातक कथाएँ देखने को मिलती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल धरातल पर इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं होता? तो ऑप्टिकल धरातल पर दोस्तों इसमें से सफ़ेद, यानी कि आंसर नंबर पहला का अस्तित्व नहीं होता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से कौन सी एक कला पत्रिका है? तो इसमें से दोस्तों है मार्ग एक कला पत्रिका है, आंसर नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें नाथ द्वार शैली के चित्र कौन से राज्य में मिलते हैं? तो नाथ द्वार चित्र की शैली जो है वो आंसर इसका है, तो दोस्तों नाथ द्वार शैली के चित्र जो है वो राजस्थान में मिलते हैं, यानी कि आंसर नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कौन से देश के दार्शनिकों को अनुकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यूनान देश के दार्शनिकों ने सिद्धांत अनुकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यानी कि प्रकाश में लाया। अगला क्वेश्चन है, समकालीन भारतीय कला में शिल्पी चक्र आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दिल्ली से हुआ। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें प्रेमाधारित विषयों का सर्वाधिक अंकन कौन सी भारतीय चित्र शैली में हुआ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है कांगड़ा शैली। यहाँ पे प्रेम प्रसंग से रिलेटेड, यानी कि प्यार से रिलेटेड, यानी कि एक क्या बोलते हैं उसको, श्रृंगार रस से संबंधित ढेर सारे यहाँ पे विषयों पे चित्रित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोस्टर कलर की प्रकृति बताइए, यानी कि पोस्टर कलर किस टाइप का कलर होता है? अल्प पारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी, या तीनों में से कोई नहीं? तो दोस्तों ये है अपारदर्शी, यानी कि ओपेक कलर होता है दोस्तों पोस्टर कलर, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ग्राफिक कला का एक अंग है? तो इसमें से एचिंग, यानी कि आंसर नंबर तीसरा,
एचिंग ग्राफिक कला का एक डिज़ाइन है। एचिंग दोस्तों एक मेटल पे कर्व किया जाता है, उससे प्रिंट मेकिंग किया जाता है, तो वो एक प्रक्रिया को बोला जाता है एचिंग उसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो एलिफेंटा की गुफाओं में कौन से शिल्प की प्रधानता है? तो इसमें से कौन से शिल्प की प्रधानता है? चित्र, वास्तु, मूर्ति, लोक संगीत। दोस्तों इसमें एलिफेंटा गुफा में मूर्ति से संबंधित विषयों पे चित्र मतलब रिलेटेड चित्र मतलब मूर्तियाँ ज़्यादा पाई गई हैं, तो मूर्ति होगा आंसर नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर के लक्ष्मण कौन थे? तो दोस्तों आपको पता ही होगा आर के लक्ष्मण कौन थे। आर के लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट हैं यानी कि व्यंग चित्रकार। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में पुष्कर सरोवर के निकट स्थित मंदिर किससे संबंधित है? तो राजस्थान में पुष्कर सरोवर के निकट स्थित मंदिर जो है वो है ब्रह्मा जी से संबंधित। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पूरे इंडिया में आपको शायद यहीं पे बोला जाता है कि सिर्फ एक ही मंदिर पूरे इंडिया में आपको मिलता है ब्रह्मा जी का, जो कि पुष्कर यानी कि राजस्थान में मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कथक। कथक उत्तर भारत का राष्ट्रीय नृत्य है। तो इसमें से अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोक कला नृत्य के रूप में बिहू को भारत का कौन सा राज्य मनाता है? तो बिहू को दोस्तों इसमें से असम यानी कि आंसर नंबर चौथा ये राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में धार्मिक त्यौहार गणेश चतुर्थी को बड़े उत्साह से मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसमें राज्य पूछा है, तो ये इसमें मुंबई भी दिया है, तो मुंबई को देख के आप थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो इसका जो राजधानी है यानी कि इसका जो राज्य है वो महाराष्ट्र यानी कि चौथा ये राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थान चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आगे बढ़े दोस्तों, तो रामकिंकर बैज एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे यानी कि जी हाँ चौथा आंसर नंबर चौथा मूर्तिकार थे स्कल्पचर। और अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, सिस्टाइन चैपल की छत किसने चित्रित की? तो सिस्टाइन चैपल एंजेलो। और ये क्वेश्चन हमेशा अक्सर करके किसी भी फाइन आर्ट्स के एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर करके पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर माइकल एंजेलो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अजंता कहाँ है यानी कि डैस कहाँ है? आगरा में है, अगरतला में, महाराष्ट्र में, मिर्ज़ापुर में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम भोज किसने चित्रित किया? अंतिम भोज यानी कि द लास्ट सपर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों, तो वो लियोनार्डो द विंची ने किया। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर करके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आगे बढ़ें दोस्तों, तो ये है, हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हितोपदेश पुस्तक के लेखक जो है वो हैं विष्णु शर्मा। हितोपदेश पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा यानी कि आंसर नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित स्तूप को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश में आपको सांची स्तूप देखने को मिलता है यानी कि आंसर नंबर दूसरा सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक्रेलिक कलर एक किस में घुलनशील है यानी कि तेल में, जल में, थिनर में, घुलनशील किस मतलब किस में है? तो ये है दोस्तों वाटर यानी कि जल में ये घुलनशील है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वांग घोष किस देश के हैं? या वांग गाग इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, तो वांग घोष उनको अक्सर करके पढ़ा जाता है, तो वांग घोष दोस्तों नीदरलैंड के हैं यानी कि आंसर नंबर तीसरा नीदरलैंड। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाटर लिली श्रृंखला किसने चित्रित की? तो वाटर लिली श्रृंखला क्लोद मोने ने की यानी कि आंसर नंबर दूसरा क्लोद मोने ने की सॉरी आंसर नंबर ये दूसरा क्लोद मेनो ने। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त रेत पर आकृतियों को बनाने वाला कलाकार जिसका नाम है सुदर्शन पटनायक जी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिक्की माउस एक खास कार्टूनिक चरित्र है जिसे बनाया है वॉल्ट डिज्नी ने यानी कि आंसर नंबर दूसरा वॉल्ट डिज्नी ने। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें, और वो है विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक स्थित है, तो विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक दोस्तों वो स्थित है कोलकाता में आंसर नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बसावन एक लघु चित्र बनाने वाला
जो कि कलाकार है वो कहाँ का है, पहाड़ी शैली का है, कांगड़ा शैली का है, या राजस्थानी शैली का है, या मुगल शैली का। दोस्तों इसका राइट आंसर है बसावन मुगल शैली का है। मुगल शैली का बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार है बसावन। तो दोस्तों ये रहा 2019 का BHU के BFA एंट्रेंस एग्जाम का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। और आगे भी मैं दोस्तों इससे रिलेटेड और भी ढेर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपलोड करने वाला हूँ, और इसमें जितना भी हो सकेगा, जितने भी पॉसिबल इमेजेस होंगे, उन इमेजेस को मैं दिखा के आपको ये याद कराने की कोशिश करूँगा, ताकि आप क्वेश्चन को याद पढ़ने के बाद उसको याद भी कर लें अच्छे से। और कोशिश करिए दोस्तों आप इसको नोट्स बना लें, और अगर आपसे आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाए आपको तो बहुत ही अच्छा, उसको अच्छे से याद करिए, जैसा कि मैंने कहा कि वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा नॉलेजबल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके शेयर करिए, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट करिए। और उसके अलावा दोस्तों आपको एग्ज़ाम के लिए आपकी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। बाय बाय।